हेलो फ्रेंड्स, अभी क्रेडिट कार्ड और बजाज ईएमआई कार्ड होने वाला है पुराना। कार्डलेस क्रेडिट दे रही है एमआई जेस्ट के साथ मिलके, जिससे आप एमआई का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं ऑनलाइन में। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कहाँ से आपको जाना है। कार्डलेस ईएमआई दे रहा है एमआई प्रोडक्ट, आप खरीद सकते हैं यहाँ से बिना क्रेडिट कार्ड के। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि बाय नाउ पे लेटर, अभी खरीदिए, पैसा बाद में दीजिए, कोई डाउन पेमेंट नहीं, ज़ीरो प्रोसेसिंग फीस, फ्लेक्सिबल ईएमआई। अब आप अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। मोबाइल नंबर वही डालिएगा जो आधार से लिंक है। फिर यहाँ पे गेट वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक कीजिएगा। आपने जो मोबाइल नंबर डाला उस पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसको यहाँ पे एंटर करके साइन अप होना है। ये जो ओटीपी आएगी ये एमआई कंपनी से आएगी या एमआई की वेबसाइट से आएगी। अगर एमआई में आपका अकाउंट है तो आप डायरेक्टली लॉगिन हो सकते हैं, अगर आईडी पासवर्ड हो तो। ये ओटीपी आ जाने के बाद यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने पे यहाँ पे ईमेल आईडी पूछा जाएगा। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ आपको आधार नंबर, पर्सनल डिटेल डालना पड़ेगा। आई एग्री के बाद कंटिन्यू दबा देंगे, फिर आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, उसको डाल के फिर से कंटिन्यू दबा देंगे। फिर यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल, आपका नाम, जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आधार नंबर कौन सा है, पिन कोड क्या है, सिटी कौन सी है, स्टेट कौन सा है, ये सारा डिटेल जो है आपको यहाँ पे इंसर्ट कर लेना है। ये एंट्री करने के बाद आप फिर से कंटिन्यू दबाएंगे, फिर एक नया पेज अपीयर होगा आपके सामने, जिसमें जेस्ट पे जो वेबसाइट है उसके लिए एक ओटीपी आपको यहाँ जनरेट करना पड़ेगा। गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, फिर आपके मोबाइल नंबर पे जेस्ट वेबसाइट की तरफ से एक ओटीपी आएगा, जिसको आपको यहाँ एंटर करना है। आपने सुना होगा जेस्ट मनी करके। यहाँ पे फिर पैन कार्ड का नंबर, आपका सिटी कौन सा है, पिन कोड कौन सा है और करंट एड्रेस कौन सा है, ये पूरा डाल के फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। फिर ये ऑटोमेटिकली जो आपने पैन कार्ड डिटेल दिया है उसको पूरा खंगालेगा वो, और सिविल स्कोर, बाकी सब डिटेल वो निकाल के आपके सामने दे देगा। आप कौन, अगर आपने पहले से लोन ओन ले रखे हैं तो उसका डिटेल भी इनको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे उसके बाद पेज आया एम्प्लॉयमेंट डिटेल। अगर आपने पहले कभी लोन लिया तो अपने आप आ जाएगा, नहीं तो आपको इंसर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे पूरा, कौन से कंपनी में काम करते, कितना मंथली खर्च है, कितना मिलता है, कितना ईएमआईज है, सारा डिटेल। फिर यहाँ पे यस करके कंटिन्यू दबा देंगे। फिर यहाँ पे केवाईसी अपलोड के लिए, वेरिफिकेशन के लिए ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप आईडी के लिए, जो भी आईडी आपके पास वैलिड हो, मैं यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस ऐड कर रहा हूँ, आप दूसरा कुछ आधार, पैन कार्ड और कुछ आईडी अगर आपके पास हो इस लिस्ट के अनुसार वो डाल सकते हैं। फिर आधार भी डाल सकते हैं, एड्रेस भी सेम मैं रख रहा हूँ। आईडी और एड्रेस के लिए मैं ड्राइविंग लाइसेंस ही यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग जो सूटेबल हो, आपके पास जो अवेलेबल हो वही आप इंसर्ट कीजिएगा। कंटिन्यू कर देंगे फिर यहाँ से। फिर आपके अकाउंट को वेरीफाई करेगा, मेरा एसबीआई है इसलिए मैं एसबीआई ले रहा हूँ। ये वेरीफिकेशन हो गया आपकी इनकम सच में कितनी है, उतनी आती है कि नहीं, तो यहाँ पे आपका जो भी बैंक अकाउंट है वो ले लेंगे, उसमें जो भी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड है उससे आप लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे लॉगिन आईडी डालेंगे पहले, फिर उस पर पासवर्ड डालेंगे, फिर एक बार रीसेट, दो बार कंफर्मेशन पासवर्ड डाल के आगे प्रोसीड करेंगे। फिर ये प्रोसेसिंग करेगा, जितनी आपकी एलिजिबिलिटी है, लोन एलिजिबिलिटी, वो सर्च करेगा, और आपको सैलरी कितनी मिल रही है वो सर्च करने के बाद एक लोन ऑफर करेगा। आपको जितनी लोन ऑफर होगी उतने अमाउंट का आप एमआई प्रोडक्ट खरीद सकते हैं।
कार्डलेस क्रेडिट के थ्रू। थोड़ा प्रोसेसिंग स्लो चल रहा है। ये देखिए आ गया बैंक, मेरा बैंक डिटेल जो भी है वो उसने फाइंड कर लिया है। फिर मुझे कंटिन्यू करना है, फिर NACH का एक फॉर्म आएगा, इसको डाउनलोड करना है। ये आपका EMI डिडक्शन के लिए होता है, आपके बैंक अकाउंट से अगर आप जेस्ट मनी से लोन लेते हैं तो उसका जो रीपेमेंट है वो इसी फॉर्म के थ्रू होता है। फॉर्म को मैं ओपन करके दिखाता हूँ, आपकी ईमेल आईडी पे भी आएगा और यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये फॉर्म है, यहाँ पे ऊपर सैंपल दिखा रहा है कि कहाँ आपको साइन करना है। नीचे स्क्रॉल करके बताते हैं आपको, यहाँ पे नीचे आपको सारा डिटेल उन्होंने ऑटोमेटिकली भर दिया है, जो आपने डिटेल दिया था उसके हिसाब से जो भी बैंक IFSC कोड है, बैंक अकाउंट नेम एम सारा डिटेल यहाँ भरा गया है। आपको खाली ये यहाँ पर साइन करना है, पंकज मजुमदार लिखा है इसके ऊपर। ये फिल करके, साइन करके, स्कैन करके या फ़ोटो खींच के दोबारा आपको जेस्ट मनी के वेबसाइट पे अपलोड कर देना है। app.zestmoney.in पे जाके लॉगिन होना है अपने इसी मोबाइल नंबर से जो आपने अभी डाला था, और फिर अपलोड कर दीजिए। अपलोड करते साथ लोन का, लोन जो है वो एक्टिव हो जाएगा और वो डेट देगा जिस भी महीने से, उस महीने से पैसा कटना शुरू हो जाएगा। तो वेबसाइट में जाके आप जो प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं ख़रीद सकते हैं। देखिए स्कैन या फ़ोटो खींचने के बाद यहाँ लिखा है टेक फोटो या अपलोड NACH फॉर्म, ये करके अपलोड कर देंगे, आपका लोन अप्रूवल हो जाएगा और आपको प्रोडक्ट कार्डलेस क्रेडिट पे मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए।